हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में, देखिए आपका चल रहा था बॉडी मेजरमेंट, ठीक है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग मेजरमेंट लिए जाते हैं, या गारमेंट की अकॉर्डिंग भी कि गारमेंट में किस तरह के पार्ट्स लिए गए हैं या कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मेजरमेंट लिया जाता है। अगर किसी गारमेंट में मान लीजिए स्लीव्स ऐड नहीं है तो उसमें स्लीव्स का मेज़रमेंट नहीं लिया जाएगा। अगर स्लीव्स है तो स्लीव्स का मेज़रमेंट लिया जाता है, या उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कौन सी है, स्टाइल कौन सा है। तो कई बार फैशन के अकॉर्डिंग जो है मेज़रमेंट चेंज हो जाता है बॉडी के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें है आस्तीन की नाप, यानी कि स्लीव्स का मेज़रमेंट। तो देखिए आस्तीन की नाप कंधे की संधि, यानी कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ से आरंभ होकर उस स्थान तक ली जाती है जितनी लंबी बनानी होती है। यानी कि हमें शोल्डर का जो जॉइंट होता है वहाँ से लेकर के जितनी भी व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग ली जाती है, या फैशन के अकॉर्डिंग ली जाती है कि व्यक्ति को फैशन के अकॉर्डिंग कितनी लेंथ कितनी विड्थ रखनी है। तो ये चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड होती है कि उसको कितनी लंबी बनानी है, उसको स्लीवलेस बनाना है कुर्ता या जो टॉप है, या पोनी स्लीव्स बनानी है, या उसको फुल बनानी है या हाफ बनानी है, ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है। तो छोटी सी आस्तीन, इसमें लिखा गया है लंबी या छोटी सी आस्तीन आधी, तो आधी आस्तीन भी हो सकती है, तीन चौथाई भी आस्तीन हो सकती है, या पूरी आस्तीन भी हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से जो है बनती है। तो आस्तीन की लंबाई फैशन से बदलती रहती है, यानी कि जैसा फैशन होता है या जो मार्केट में फैशन चल रहा है या जो ट्रेंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी जो है स्लीव्स जो है चेंज होती रहती हैं। तो आस्तीन की नाप लेते समय व्यक्ति की इच्छा जान लेना अच्छा होता है कि उसको कितनी लेंथ का जो है स्लीव्स चाहिए होंगी, किस फैशन की या किस शैली की इसकी, यानी कि किस स्टाइल की चाहिए होगी, कौन से डिज़ाइन की होगी, वो व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। अब आता है वस्त्र का अनुमान लगाना, कि यानी कि तरीके से अनुमान लगाने से मतलब ये है कि जो हम गारमेंट स्टिच करा रहे हैं तो कि हमें हमारा जो गारमेंट है वो कितने मीटर कपड़े में हमारा गारमेंट बन सकता है, यानी कि एक तरीके से अनुमान लगाना, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ गारमेंट इतने स्टाइलिश होते हैं या उनमें दो तीन लेयर ऐसी लगी होती है कि फैब्रिक जो होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है, और कुछ जो हमारे नॉर्मल सिंपल गारमेंट होते हैं उनमें नॉर्मल ही कम फैब्रिक या जितनी व्यक्ति की मेज़रमेंट होता है बॉडी मेज़रमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है गारमेंट स्टिच होता है। तो स्टिच कराने से पहले व्यक्ति को वस्त्र का अनुमान जो है लगाना होता है। तो परिधान तैयार करने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी इसका अनुमान लगाने से कपड़ा ठीक मात्रा में आता है, और अधिक कपड़े के लेने से जो पैसा नष्ट होता है उसकी भी बचत हो जाती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कपड़ा सिलने का अंदाज़ा नहीं होता या नहीं होता हमें अंदाज़ा कि कितना जो फैब्रिक है वो चाहिएगा, तो कई बार हम अंदाज़े में ही जो है फैब्रिक ज़्यादा ले लेते हैं। या जब मान लीजिए अगर किसी भी सूट या सलवार, मान लीजिए अगर कोई भी कपड़ा 4 या 5 मीटर में बन जाता है दोनों चीज़ें, तो कुछ व्यक्ति 6 मीटर ले लेते हैं कि शायद कम ना पड़े तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया जाए। तो वो एक्स्ट्रा जो लिया जाता है उसमें पैसा तो जाता है लेकिन वो स्टिचिंग में यूज़ नहीं होता है, तो वो एक तरीके से वेस्ट होता है। तो वो फैब्रिक भी वेस्ट हो जाता है और उसमें लगा पैसा भी जो है वो बेकार जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा जो फैब्रिक की अंदाज़ा या अनुमान जो है लगा लिया जाता है, उसकी भी बचत हो जाती है। कम कपड़ा आ जाने से परिधान में बेढंग सा या कसा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि देखिए ऐसा होता है कि अगर हम कम फैब्रिक को लेते हैं गारमेंट की स्टिचिंग के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बचत के चक्कर में क्या होता है कि जितने इंच में या जितने मीटर में जो गारमेंट बनना था वो उससे उन्होंने कम ले लिया, तो क्या होगा उसमें भी उस गारमेंट के प्रॉपर पीस जितने भी पीस है उसमें स्लीव्स, कॉलर, एक्स्ट्रा पट्टी, बेल्ट जो भी है वो कई बार क्या होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो वो भी क्या होगा कि हमारा या तो कपड़ा जो होगा बहुत टाइट सिला जाएगा या कुछ पार्ट्स उसमें नहीं बन पाएंगे, तो भी वो बेढंग सा लगता है।
तो प्राय वस्त्र का अनुमान न लगने के कारण, यानी कि अगर हमें इस चीज़ का अनुमान ही नहीं है कि जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं इसमें कितना फैब्रिक लगेगा, तो अधिक कपड़ा खरीद लेते हैं अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो जिससे व्यर्थ ही धन का अपव्यय होता है, यानी कि जो पैसा है वो वेस्ट जाता है। और ठीक इसके विपरीत कपड़े का सही अनुमान न लग सकने के कारण कपड़ा कम खरीद लिया जाता है, यानी कि या तो जो व्यक्ति है वो ज़्यादा फैब्रिक को खरीद लेता है या फिर वो कम फैब्रिक को खरीद लेता है। तो और फिर भी वह किसी काम का नहीं रहता है, ना तो उसमें पूरा प्रॉपर गारमेंट बन पाता है। और अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो आपका गारमेंट बनने के बाद जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा बेकार जाता है। तो इन चीज़ों का भी जो है ध्यान रखा जाता है, या वस्त्र का अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारा गारमेंट स्टिच हो रहा है वो कितने मीटर में या कितने इंचेस में कितना गारमेंट बन सकता है। तो देखिए, साधारणतः बाज़ार में कपड़ा कई अर्ज़ों में मिलता है। देखिए थोड़े से इसमें वर्ड्स गलत हो चुके हैं, आप सही कर लेना उनको, कि बाज़ार में कपड़ा कई अर्ज़ों में मिलता है। जैसे मान लीजिए सिंगल अर्ज, डबल अर्ज, मतलब इस तरह से कपड़े मिलते हैं। तो पहनने वाले कपड़े 27 इंच से 36 इंच तक के होते हैं। डबल अर्ज वाले वस्त्र जो होते हैं वो 42 यानी 42 इंच से 60 इंच तक के होते हैं। और इनके अतिरिक्त कुछ विशेष, मतलब कुछ वस्त्र विशेष रूप से बड़े अर्ज के बनाए जाते हैं, यानी स्पेशली वे बड़े अर्ज के रखे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान। तो प्राय अत्यधिक चौड़े वस्त्र जैसे होते हैं, हमारी बड़ी चादरें होती हैं या बड़ी बेडशीट होती हैं, विशाल मेजपोश होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पहले से ही इनका जो अर्ज है यानी कि लेंथ और विड्थ जो होती है वो ज़्यादा रखी जाती है। नॉर्मल, एक नॉर्मल अगर गारमेंट स्टिच कराते हैं तो उसकी जो बेसिक सी जो विड्थ होती है या लेंथ होती है, तो देखिए लेंथ तो जो वस्त्र की होती है वो बहुत लंबी होती है, लेकिन जो उसकी विड्थ होती है वो 40 इंच की होती है, यानी 40 इंच से या 42 इंच की होती है। तो लेकिन जो बेडशीट होती है या बड़े 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 जो कर्टन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी जो लेंथ और विड्थ दोनों को ही बड़े अर्ज में रखा जाता है। तो अर्ज 72 से 90 इंच तक का जो है वो होता है। तो परिधान के लिए वस्त्र प्राय सिंगल, मीडियम या डबल अर्ज में मिलते हैं, यानी कि जो नॉर्मल बेसिक से गारमेंट हम स्टिच कराते हैं उनके लिए हमें नॉर्मली सिंगल, यानी कि जो एक सिंगल, मीडियम और डबल अर्ज में हमें जो है फैब्रिक मिलता है। किस परिधान में कितना कपड़ा लगेगा, यानी जो भी आप गारमेंट बनवा रहे हैं उसमें कितना फैब्रिक लगेगा, इसका अनुमान लगाने में बड़ी बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। यानी कि एक ये भी एक नॉलेज की बात होती है कि आपको कोई गारमेंट स्टिच कराना है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितने फैब्रिक की, कितने इंच या कितने मीटर फैब्रिक की जो है आवश्यकता हो सकती है। कई बार क्या होता है कि कुछ फैब्रिक्स जब खरीदे जाते हैं तो कई बार वे अंदाजे में खरीदे जाते हैं कि शायद इतना फैब्रिक बहुत होगा, लेकिन थोड़ा सा अनुमान लगाना भी बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो वस्त्र खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिए कि उतना ही वस्त्र खरीदा जाए जितने में परिधान निकल आए और कपड़ा बचे भी नहीं। क्योंकि देखिए जो जो व्यक्ति गारमेंट स्टिच करते हैं या गारमेंट स्टिच करवाते हैं तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि उनको कितने इंच में कितना फैब्रिक बनेगा, या आपका जो फैब्रिक जो आपका गारमेंट है, गारमेंट की स्टाइलिंग क्या है, अगर स्टाइलिंग ज़्यादा अच्छी है, फैब्रिक में लेयर्स हैं, तो ऐसा होता है कि अगर फैब्रिक में लेयर्स होती हैं तो उसमें फैब्रिक जो होता है आपका ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह जो फैब्रिक होता है हमारा, कुछ तो होता है कि व्यक्ति को आना होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि उसको कितने इंच में कितना फैब्रिक जो है मिले, कितना फैब्रिक जो है लगेगा, कितने जो भी उसका गारमेंट बन रहा है उस गारमेंट का उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कितने इंच में उसका गारमेंट बन जाता है। नॉर्मल जो बेसिक सी चीज़ें हैं, देखिए जैसे सूट सलवार होता है वो चार, अगर किसी को सेम ही फैब्रिक का बनाना है सूट प्लस सलवार, तो अगर व्यक्ति 4 इंच से लेकर के 5 इंच तक
के फैब्रिक में दोनों चीज़ें या दोनों पीस को आसानी से निकाल सकता है। तो इसी तरह थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर फैब्रिक डबल अर्ज में होता है तो कम फैब्रिक में भी स्टिचिंग हो जाती है, और अगर फैब्रिक जो कम या सिंगल अर्ज में होता है तो उसमें ज़्यादा फैब्रिक की जो है ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, जो अब हमारा टॉपिक है या इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।